उधर से जाके ये जून के माह में मक्सी के पास सिग्नल को में विघ्न पैदा करके सिग्नल को डिस्टर्ब करते थे और उसके पश्चात गाड़ी रुकती थी और ट्रेन पर रुकने के पश्चात आरोपीगण उसमें प्रवेश करके लूट की घटना कारित करते थे। इन आरोपी द्वारा लगभग महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश चार राज्यों में वारदात की है। इनको इस घटना को का पर्दाफाश करने के लिए मेरे साथी एडिशनल एसपी और वहाँ की टीम ने बहुत मेहनत की है। इनको हम लोगों ने उनके फास्टैग के माध्यम से इनको पकड़ा है और जब इनको पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि वो ट्रेन पर पटरी पर सिक्का रख करके सिग्नल को विघ्न पैदा करते थे और इस कारण से सिग्नल डाउन हो जाता था और उसके पश्चात ही उसके अंदर प्रवेश करके घटना करते थे। कितने लोग रहते हैं मैम ये और किस तरीके से अंदर घुसते थे? इसमें तो पांच लोगों की टीम है, पांच लोग हैं इस गैंग में और ये इसमें कुछ का काम है ट्रेन को रोकना, कुछ का काम है अंदर प्रवेश करके गेट खोलना और कुछ का काम है अंदर जा कर के लूट करना और एक का काम है कि पहरा करना, ये आता नहीं रहा है। लाइव डेमो में क्या बताना है किस तरीके से? यही बताया उन्होंने कि पटरी पर सिक्का रख करके वो उसको उसका सिग्नल को फॉल्ट करते थे, शॉर्ट करते थे। किसी की मिली भगत से करते थे रेलवे वाले? नहीं, वो उनका खुद का अपना था, रेलवे वाले ऐसा कुछ नहीं। सिक्के के अलावा और किस तरीके से करते थे? नहीं वो तो उन्होंने सिक्का ही बताया। सिक्के बताया। कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हुए? अभी चार आरोपी गिरफ्तार। कहाँ के रहने वाले? ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। वो कहीं की भी लूट का इन्होंने खुला सकता? इन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की लूटों का सभी तो यही तरीका रहता है। सभी तो यही तरीका है। अलग अलग तरीके से? नहीं, यही तरीका है। यही तरीका।